बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जिसके बाद से इनके शेयर्स में काफी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट 4% से आई है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को दवाओं के विज्ञापनों में भ्रामक दावे न करने के अपने वादे से पीछे हटने के लिए अवमानना नोटिस भेजा, जिसका असर शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी के शेयर में सीधा देखने को मिल रहा है। मात्र 105 मिनट में रामदेव की कंपनी को करीब 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को क्या कहा था और उसके बाद कंपनी के शेयरों के आंकड़े बाजार में किस तरह से देखने मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को हृदय रोग और अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने से भी रोक दिया। ये फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कोर्ट में सबूत पेश करने के बाद आया, जिसमें द हिंदू अखबार में पतंजलि का विज्ञापन और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल था, जहां कंपनी ने योग की मदद से शुगर और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। अदालत ने पतंजलि को पिछले अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया, जिसने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन जारी करने और भ्रामक दावे करने से रोक दिया था। हालांकि उसी दिन एक नियामक फाइलिंग में पतंजलि फूड्स ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पतंजलि फूड्स लिमिटेड से संबंधित नहीं है, जो एक स्वतंत्र लिस्टेड यूनिट है और खाद्य तेल और खाद्य FMCG के क्षेत्र में काम करती है। अब कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को कंपनी के शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के अनुसार BSE में पतंजलि फूड्स के शेयर में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली और कंपनी का शेयर 1,556 रुपए पर आ गया, जबकि एक दिन पहले कंपनी का शेयर 1,620.20 रुपए पर बंद हुआ था। वैसे आज कंपनी का शेयर बड़ी गिरावट के साथ 1,572.05 रुपए पर ओपन हुए थे। मौजूदा समय में कंपनी का शेयर 54.25 रुपए यानी 3.5 रुपए की गिरावट के साथ 1,565.95 रुपए पर कारोबार कर रहा है। कंपनी के शेयर में गिरावट की वजह से कंपनी के वैल्यूएशन में भी काफी कमी देखने को मिली है। 105 मिनट के कारोबारी सत्र के दौरान रामदेव की कंपनी के करीब 2300 करोड़ रुपए डूब गए। एक दिन पहले कंपनी का वैल्यूएशन 58,650.40 करोड़ रुपए थे, सुबह 11 बजे 56,355.35 करोड़ रुपए पर आ गया। इसका मतलब है कि कंपनी में गिरावट 105 मिनट के अंतराल में देखने को मिली है। मौजूदा समय में कंपनी की वैल्यूएशन 56,471.20 रुपए पर है।